ये है पिसाजों का छत्ता, नाम सोला मेरा। यहाँ कुछ लोग को दिखाया जाता जिनके माथे में क्रूस का चिन्ह है। ये लोग पिसाजों का शिकारी, और इन लोग को प्रिस्ट नाम से बुलाया जाता है। इन लोग को आदेश मिला है कि मलाइका को ढूंढ के मारना है, जो पिसाजों का रानी। लेकिन इन सब को पता नहीं था कि यहाँ पे जाल बिछाया गया है, और अचानक से इन सब के ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ से कुछ प्रिस्ट बच पाते हैं। तो चले बैक टू द हिस्टोरी। मानव जाति के साथ साथ पिसाज भी रहा करते थे, और शुरुआत से ही मानव और पिसाज में जंग थी। लेकिन पिसाज मानव से अधिक ताकतवर थे। मानव के पास हथियार थे, लेकिन पिसाचों का कुछ उखाड़ नहीं पाया, और पिसाचों का डर से इंसानों ने गिरजाघर बना लिया और चार दीवारों की अंदर खुद को बंद कर लिया। और तब जाके उन्हें असली हथियार मिला, प्रीस्ट, अनोखा ताकत वाला योद्धा जिन्हें गिरजाघर ने परमिशन दिया पिसाचों से लड़ने। प्रीस्ट ने पिसाचों से लड़ा और मार दिया, और बचे हुए पिसाचों को कालकोटरी में बंद कर दिया। फिल्म के शुरू में एक आदमी को दिखाया जाता है जो जमीन को टेस्ट कर रहा था, इसमें कुछ उगाया जाएगा कि नहीं। रात के समय इसी फैमिली को दिखाया जाता है, खाना खाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय अचानक से घर की चीज हिलने लगी, जिससे कि भूकंप आया हो। जब इस आदमी ने खिड़की से झांक के देखा तो पिसाचों का दल आ रहा घर की ओर। उसने अपने बेटी लूसी को अंडरग्राउंड रूम में छुपने को बोला। इसी लड़ाई के दौरान लूसी की मम्मी डैडी को मार के लूसी को ले गए। यहाँ से सीन चेंज होके कठिदल शहर को दिखाया जाता है, जो शहर चार दीवारों का अंदर में है। यहाँ सिर्फ गिरजाघर का रूल्स चलता है। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रिस्ट है, यही है फिल्म का मेन हीरो। जब प्रिस्ट अपने रूम में जा रहा था तो उसने किसी का आवाज़ सुना और उसे दबोच लिया, और उसे पूछने लगा वो कौन है और वहाँ आने का क्या मकसद। तो उस आदमी ने बताया कि पिसाचों ने हमला किया और लूसी को ले गए, और प्रिस्ट का भाई बुरी तरह से घायल है, और ये भी बताया कि लूसी का माँ मर गए। ये आदमी लूसी का बॉयफ्रेंड है, इसका नाम हिक्स, और लूसी ने बताया कि उसकी अंकल प्रिस्ट है और पिसाचों से लड़ने में माहिर है, इसलिए हिक्स प्रिस्ट को बताने आए हैं। हिक्स प्रिस्ट को बोलता है कि वो जाएगा लूसी को बचाने, और ये भी पूछता है कि प्रिस्ट साथ में चलेगा कि नहीं। अब प्रिस्ट ने फैसला कर लिया वो बचाने जाएगा, क्योंकि उसका रिश्तेदार पर पिसाचों ने हमला किया, इसे कैसे छोड़ देगा। अब प्रिस्ट ने गिरजाघर का मुखिया से मिलने गया और उसे कहा उसका घर पर हमला किया पिसाचों ने। लेकिन गिरजाघर का मुखिया ने कहा कोई पिसाच नहीं है, और प्रिस्ट को साफ साफ मना कर दिया कथिदल शहर से बाहर जाने को। लेकिन प्रिस्ट फिर से रिक्वेस्ट किया, पर इस बार भी मना कर दिया, और मुखिया ने कहा वो बाहर नहीं भेजेगा किसी प्रिस्ट को, और ये भी कहा अगर बात नहीं मानने से प्रिस्ट को प्रिस्ट की अथॉरिटी से निकाला जाएगा। यहाँ से सीन चेंज होकर लूसी को दिखाया जाता है। लूसी पिसाचों का हेड को बोलती है उसे छोड़ने को, और ये भी बोलती है कि उसकी अंकल प्रिस्ट है और उसे बचाने ज़रूर आएगा और उसे मार देगा। पिसाचों का हेड ने जवाब दिया इसी पल का तो इंतज़ार है। फिर से प्रिस्ट को दिखाया जाता। प्रिस्ट ने फैसला कर लिया कि वो शहर से बाहर जाने का। कुछ सोल्जर्स आए थे प्रिस्ट को रोकने, लेकिन प्रिस्ट ने सबका बैंड बजा दिया। अब प्रिस्ट ने तैयारी शुरू कर दिया और रेडी होकर अपना सुपर बाइक लेके शहर से बाहर चला गया लूसी को ढूंढने। और बहुत देर से सफ़र करने के बाद वो घर पहुंच गया। यहाँ पे लूसी की बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, और दोनों मिलके गांव की ओर निकल जाते हैं प्रिस्ट का भाई से मिलने, जो अभी पूरी तरह से घायल है।
लुसी का बाप अपना भाई से कहता है लुसी को वापस लाने को और पिसाचों का हेड को ख़त्म करने का। सीन चेंज हो के गिरजाघर का मुखिया को दिखाया जाता है जो दूसरे प्रिस्ट को बुला के वो प्रिस्ट को वापस लाने को बोलता है जिंदा या मुर्दा। प्रिस्ट अपना फैमिली को दफना के लुसी को ढूंढने निकल जाते हैं और ये लोग इस जगह से शुरू करने वाला है लुसी को ढूंढने। और इस जगह की आदमी सब पिसाचों का गुलाम है। प्रिस्ट और हिक्स ने लुसी का बारे में पूछता है लेकिन ये आदमी कुछ नहीं बताता। यहाँ का आदमी सब प्रिस्ट और हिक्स को मारने आ जाते हैं और यहाँ एक फाइट होता है इन सब से लेकिन प्रिस्ट एक ही झटके में सबको मार दिया। ये सब का यही सम हो गया। अब पिसाचों का निकालने का टाइम हो चुका है। पिसाच सब बाहर आ गए। प्रिस्ट और हिक ने दोनों मिल के पिसाचों से लड़ने लगा और कुछ पिसाचों को मार दिया और एक पिसाच बाज के भाग गया। प्रिस्ट ने इस पिसाच का गुलाम को पूछने लगा कि लुसी को कहाँ लेके गए और उसने प्रिस्ट को बताया कि प्रिस्ट को कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है। प्रिस्ट और हिक्स ने सोलामीरा की ओर निकल जाते हैं। वहाँ में कुछ पता चलेगा सोच के। यहाँ पे प्रिस्ट का लेडी प्रिस्ट से मुलाकात हो जाता है। लेडी प्रिस्ट ने प्रिस्ट को बताया कि धर्म गुरु ने चार प्रिस्ट को भेजा उसे वापस लाने को। यहाँ पे ये लोग का लड़ाई शुरू हो जाता है छत्ता का रखवाला से और बहुत देर लाने के बाद इस रखवाला पिसाच को मार देते हैं। यहाँ से सीन चेंज होके रेलवे स्टेशन कीपर को दिखाया जाता है जो नींद से जग जाता है ट्रेन की आ जाने से। ये आदमी पता करने की कोशिश करता है कि ट्रेन में कौन है लेकिन अचानक से उसको मार दिया जाता है और इस टाउन पे हमला कर दिया पिसाचों ने। पूरा से पूरा टाउन को ख़त्म कर दिया। यह है पिसाचों का बॉस जो इंसान पिसाच है। यहाँ पे तीन प्रिस्ट आ जाते हैं इन पिसाचों को रोकने लेकिन पिसाचों का बॉस ने एक ही झटके में मार दिया तीनों प्रिस्ट को। प्रिस्ट लेडी प्रिस्ट और हिक्स ने आने से लेट कर दिया। इन लोगों ने टाउन पे छान मारना शुरू कर दिया कुछ मिलेगा सोच के लेकिन पिसाचों ने कुछ नहीं छोड़ा यहाँ तक कि लाश भी नहीं। आखिरी में इन सबको मिल जाता है तीन मारे हुए प्रिस्ट। ये सब ने ट्रेन पटरी से पता कर लिया और इन सब ने प्लान कर लिया कि ट्रेन को रोकने शहर पहुँचने से पहले और उन सभी पिसाचों का कहानी ख़त्म करने को। क्योंकि अगर पिसाचों का ट्रेन शहर में पहुंच जाएगा तो चारों तरफ तबाही हो जाएगा। और प्रिस अपने प्लान कर लिया कि ट्रेन की पटरी को बम से उड़ाया जाएगा लेकिन उससे पहले लुसी को ढूंढना है। और ये सब ट्रेन को पीछा करने लग जाते हैं। लेडी प्रिस्ट का मिशन ट्रेन पटरी को उड़ाना है बम से और हिक्स का लुसी तक पहुंचना है। यहाँ से प्रिस्ट आगे निकल जाता है ट्रेन के ऊपर उठने के लिए और हिक्स ने ट्रेन में घुस जाता और लुसी को ढूंढने के लिए जाता है और लेडी प्रिस्ट ने ट्रेन की पटरी उड़ाने आगे चली जाती है। और यहाँ पे पिसाच का गुलाम भी बाइक लेके ट्रेन से निकल जाते हैं और लेडी प्रिस्ट को पीछा करते हैं और प्रिस्ट भी ट्रेन के ऊपर आ जाता है लेकिन यहाँ पे पिसाचों का बॉस पहले से प्रिस्ट का इंतज़ार कर रहा था। यह पिसाचों का बॉस पहले यह भी प्रिस्ट था जो पहले छत्ते में फंस गया था और मालिका ने उसको इंसान पिसाच बना दिया। इन दोनों में खतरनाक वाला फाइट होता है लेकिन प्रिस्ट से ज़्यादा पिसाच ताकतवर है। बहुत देर फाइट करने के बाद प्रिस्ट को मुक्के मार के नीचे गिरा देता है लेकिन प्रिस्ट ट्रेन को पकड़ लिया। सीन चेंज होकर लेडी प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो ट्रेन की पटरी में बम फिट कर दिया और इसके भी पिसाचों से फाइट होता है। इस लेडी प्रिस्ट ने सबको मार दिया और इस फाइट के चलते बम भी डैमेज हो जाता है। यहाँ हिक्स को दिखाया जाता है जो लुसी के पास पहुँचने वाला था। पिसाच बाहर निकल जाते हैं और प्रिस्ट भी ट्रेन की फ्लोर तोड़ के अंदर आ जाता है और हिक्स ने ट्रेन की छत को छिंदा कर देता है। वहाँ से सूरज की रोशनी की वजह से पिसाच आ नहीं सकते।
प्रिस्ट और हिक्स लूसी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर से इंसानी पिशाच आ जाते हैं। हिक्स को ट्रेन के बाहर फेंक देता और प्रिस्ट को बुरी तरह से मारने लगा और प्रिस्ट को चाकू खोप के लटका देता। और लेडी प्रिस्ट को दिखाया जाता है जो बाइक लेके ट्रेन की ओर बढ़ रही है, ट्रेन को उड़ाने बाइक से क्योंकि बॉम्ब डैमेज हो चुका है। अब प्रिस्ट को पुरानी बातें याद आके उसको ताकत मिल जाता है और चाकू को निकाल देते हैं। यहाँ पे इंसानी पिशाच लूसी को ले जा रहा था और लूसी को पिशाच बनाने वाला था गला में काट के। तभी प्रिस्ट आ जाता और क्रॉस को फेंक के हमला कर देता और इंसान पिशाच लूसी को छोड़ देता। और लूसी ट्रेन से गिरने वाली थी, लेकिन प्रिस्ट ने पकड़ लिया और पिशाच ने प्रिस्ट को मारने आया था। तभी वहां से लेडी प्रिस्ट आके बाइक से ट्रेन को उड़ा दिया। इसी ब्लास्ट के द्वारा इंसान पिशाच आग में जल जाता है और सभी ट्रेन का डब्बा जल के ख़त्म, जिसमें ढेर सारे पिशाच थे। आखिर में प्रिस्ट ने बचा लिया अपना भांजी को। यहाँ पे हिक्स भी आ जाता है और लूसी से गले से लगा लेता है। प्रिस्ट ने दुख कर रहा था लेडी प्रिस्ट मर गई सोच के। तभी उसने लेडी प्रिस्ट को देख पाता, तब जाके उन्हें चैन मिलता है। सीन चेंज होके गिरजा घर का धर्म गुरु को दिखाया जाता है जो गिरजा कर रहा था। तभी प्रिस्ट वहाँ पिशाच का कटा हुआ सर लेके आ जाता है सबूत दिखाने के लिए। धर्म गुरु को गुस्सा आ जाता और कहता है जंग खत्म हो चुका, लेकिन प्रिस्ट ने जवाब दिया अभी तो जंग शुरू हुई है। और प्रिस्ट निकल जाता है गिरजा घर से हमेशा के लिए। यहीं से फिल्म का दी एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून डियर व्यूअर्स।